अपनी तरफ से आप सभी के माध्यम से फिर से अपील करना चाहूंगा सभी जिले वासियों को, ये सारे कदम जो उठाए जा रहे हैं ये आपके भलाई के लिए हैं और पूरे नरसिंहपुर जिले वासियों के लिए हैं। इसमें आपका सहयोग जो है वो सबसे ज़रूरी है। पुलिस की तरफ से हमेशा ये एटीट्यूड आग्रह का रहेगा, पहले आग्रह करेंगे कि आप कृपया जो प्रशासन के आदेश हैं उसका पालन करें, अंदर रहें, किसी से मिलें ना, सैनिटाइज करें अपने आप को, हाथ धोएं, और अगर नहीं मानेंगे तो फोर्सफुली भी हम उनको अंदर करेंगे। किसी एक या दो व्यक्ति को छूट देने के लिए हम पूरे नरसिंहपुर जिले वासियों की जान को खतरे में नहीं डालेंगे, ये आप सभी के माध्यम से सभी को मैं बताना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन आज रात से इस पर लागू करने के लिए पूरी तैयार है। तत्काल प्रभाव से सभी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, सभी पुलिस विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और सभी को आज रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। DFO साहब से भी रिक्वेस्ट की गई है, सारे फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं, जो गार्ड हैं, रेंजर्स हैं, वो भी इस कार्य के लिए हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। होमगार्ड से भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना हम बल ले रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पॉइंट्स लगाएंगे, सिटी के एंट्रेंस पे पॉइंट लगाएंगे, चाहे वो रोड का रास्ता हो, चाहे वो मेन एरियाज जो हैं, चाहे नरसिंहपुर हो, करेली हो, गाडरवारा हो, सिटी में एंट्रेंस पे पॉइंट्स लगेंगे, अंदर भ्रमण के लिए पॉइंट्स लगेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था जो है आज कर ली जाएगी। रेलवे स्टेशन पे आने वालों के लिए जैसा कलेक्टर साहब ने भी कहा, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप कृपया ये मैसेज सभी को पहुँचाएँ कि जिसने भी नरसिंहपुर ज़िले में एंटर करना है, जो यहाँ के निवासी हैं, वो आज रात 12 बजे तक एंटर कर लें। आज रात 12 बजे से उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति कतई ही नहीं दी जाएगी, चाहे वो यहाँ के निवासी हों, चाहे कोई भी कारण हो। ये मैसेज जो है रेल अथॉरिटीज़ को भी पास ऑन किया गया है, जैसा भी आपको बताया। तो हम रेलवे स्टेशन पर ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको जितनी देर लगे वहीं पर रोकें और वहां से उनको वापस कर दें। इसका दायित्व जो है वो हर इंसान पर है। ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी की सुविधा के लिए कि नहीं वो एक आदमी आ रहा है तो हम बोलेंगे नहीं इसको जाने दो, बाकियों को रहने दो, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपसे ये अपील है कि जिसको भी आज नरसिंहपुर ज़िले में प्रवेश करना है वो आज रात 12 बजे तक किसी भी हालत में कर ले। सड़क मार्ग के लिए भी पर्याप्त स्टॉपर्स जो हैं वहाँ रोकने के लिए हमने इंतजाम कर लिए हैं। आज शाम तक ये पूरी व्यवस्था जो है ये जम जाएगी। इसके माध्यम से, आपके माध्यम से ये फिर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेप्स हैं थोड़े ड्रास्टिक हैं, थोड़े अग्रेसिव लगेंगे अभी, पर हम नरसिंहपुर ज़िला जो है इसमें सबसे पहल लेगा और इसे पछाड़ेगा, ये मेरा विश्वास है कि हम अपने ज़िले में इसका जो संक्रमण है वो फैलने नहीं देंगे। आपको भी, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी सिर्फ ज़रूरी रिपोर्टिंग के लिए या तो प्रशासन के माध्यम से इन टच में रहें, या बहुत किसी को इमरजेंसी है तो पास के माध्यम से बाहर आएँ। पास सभी के पास रहेंगे और पास नियमित तरीके से जारी करके उन्हें चेक किया जाएगा। तो आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाहर निकलें रिपोर्टिंग के लिए भी या कोई किसी और चीज़ के लिए भी, तो आप अपने पास विधिवत उसको पास इशू करवाएं। और फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना पॉसिबल हो आप अंदर ही रहें। थैंक यू। हाँ जी, मीडिया के लिए पास ऐसे ही जारी होंगे जिनको बहुत ज़रूरी होगा। अब सभी को इजाज़त नहीं होगी बाहर रहने की, जैसे किसी को कोई कोई चैनल या कोई ग्रुप को एक एक पास हम जारी करेंगे, जिनमें से एक प्रतिनिधि जो है आपका रिपोर्टिंग के लिए बाहर आ सकता है। देखिए, जैसा जबलपुर में 4 केस जैसे आए हैं, वो करीबन 14 दिन जो हैं, जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि वो 14 दिन तो घूमते रहे हैं। तो हमारे ज़िले से हम मान के चलें कि 60-70% लोग जो हैं वो जबलपुर आना जाना करते हैं। हमारा जो ये एफर्ट है अब उन कैरियर्स को ढूंढने का है जिनमें अभी कोई सिम्टम नहीं, जैसे कलेक्टर साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है अभी, तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, उनको ढूंढने का हमारा अब प्रयास है। इस संदर्भ में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जो है इसको लेकर सभी को, जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास जो लोग अप डाउन कर रहे हैं, जिनको हमें डाउट है कि ये जबलपुर में रहे हैं इस समय में, उनकी हम टावर डेटा रिकॉर्ड्स और टावर डंप भी एनालाइज करेंगे। जो जबलपुर में जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके एरिया में, उनके टावर्स में जिनकी लोकेशन पाई गई है,
उनको हम अगले 3-4 दिन में चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये भारत सरकार द्वारा भी टेकअप किया गया है, हम नरसिंहपुर में इसे लागू करेंगे ताकि हमें ये चिन्हित हो जाए कि हमारे नरसिंहपुर के वासी जबलपुर में उस क्षेत्र में जहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं वहाँ पर पिछले 14 दिनों में गए हैं कि नहीं गए हैं और कितनी देर तक वहाँ रहे हैं, इसको चिन्हित करने की हम कोशिश करेंगे।